आखिरी योद्धा। दुनिया का इतिहास कई युद्धों, कई जंगों और कई लड़ाइयों से भरा पड़ा है। युद्ध चाहे वो राज्यों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हुआ या फिर धर्म और अधर्म की जंग। वक्त के साथ इन लड़ाइयों में इस्तेमाल होने वाले शस्त्र भी बदलते गए और उनसे बदलता गया लड़ाई का तरीका भी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि प्राचीन काल में जब युद्ध होते थे तो पुराने शस्त्रों को चलाने की विद्या और टेक्निक कहां से आती थी, उसकी शुरुआत कहां से हुई? युद्धों की सबसे प्राचीन और मूल कला का नाम है सनातन शस्त्र विद्या और इसकी शुरुआत होती है शिव से, जो आगे मां चंडी, चतुर्भुज विष्णु, कृष्ण महाराज, पुरुषोत्तम राम, अर्जुन, हनुमान, भीम, गुरु गोरखनाथ, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हर गोविंद, बाबा दरबारा सिंह, बाबा सुखा सिंह ने से आगे बढ़ाए। इस सनातन शस्त्र विद्या में युद्ध की 10 कलाएं हैं। ये आर्ट सिर्फ युद्ध में ही मदद नहीं करती बल्कि इसकी प्रैक्टिस से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है। आज इस एंशिएंट इंडियन मार्शल आर्ट के बारे में जनतंत्र टीवी आपको बताने जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी विद्या की जो शस्त्रों से जुड़ी हुई है। वैसे तो विद्या को लेकर भारतीय परंपरा में ये कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्र रहना सिखाती है, लेकिन यही विद्या अगर शस्त्र विद्या बन जाए तो उसमें इसके मायने बदल जाते हैं और अगर शस्त्र विद्या के अगर सनातन जुड़ जाए तो उसकी प्राचीनता का एहसास होता है। सनातन शस्त्र विद्या आखिर है क्या और आज के दौर में, आज के युग में जब आधुनिक हथियारों और आधुनिक युद्धों की बात होती है, उस दौर में इसका महत्व क्या है, ये जानेंगे इस खास पेशकश में। और ये सब बताने के लिए इस विद्या, इस आर्ट के एकमात्र मास्टर गुरुदेव निडार सिंह निहांग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पच्चीस साल का गहन अध्ययन और फिजिकल ट्रेनिंग लेकर निडार सिंह 150 साल से विलुप्त होने की कगार पर पहुंची सनातन शस्त्र विद्या को जीवित रखने और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 1661 में स्थापित इस प्राचीन परंपरा के आखिरी विद्यालय बाबा दरबारा सिंह शस्त्र विद्या अखाड़ा के 9वें गुरु और अकेले सर्वाइविंग मास्टर हैं निडार सिंह निहांग। निडार सिंह ब्रिटेन में पले बढ़े, 1984 में अपने परिवार के साथ ब्रिटेन के वोल्वरहैम्पटन को छोड़कर वो पंजाब में अपने गांव आ गए। यहीं से निडार सिंह की जिंदगी ने लिया एक नया मोड़। जब उनकी मुलाकात 70 साल के एक सुपर ह्यूमन अकाली निहांग योद्धा से हुई। निडार सिंह इस कला में इतने माहिर हो चुके हैं कि इस कला की हर एक तकनीक और उसके पीछे के लॉजिक्स का उन्हें अच्छे से ज्ञान हो चुका है। अब निडार सिंह का मकसद है कि वो मार्शल आर्ट की सनातन विद्या से लोगों को जोड़ पाए और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस सनातन शस्त्र विद्या के नाम कर दी है। तो इस सनातन शस्त्र विद्या के बारे में क्या आपने कहीं पढ़ा, लिखा या सुना या देखा है? अगर आप भी ना कहने वालों में से हैं तो ये खास पेशकश आप ही के लिए है, क्योंकि आप इस प्रोग्राम में ये जान पाएंगे कि आखिर सनातन शस्त्र विद्या है क्या, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और आज के इस वक्त में, आज के इस दौर में इसका महत्व क्या है। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि हमारे साथ इस कला के, इस विद्या के एकमात्र मास्टर हमारे साथ हैं और परिचय पहले ही हो चुका है। निडार सिंह निहंग हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका।
नमस्कार जी। पहला सवाल सर आपसे यही कि इतनी सारी मार्शल आर्ट्स हैं और अलग अलग तरह के अलग अलग फॉर्म्स की मार्शल आर्ट हैं, ये सनातन शस्त्र विद्या क्या है और क्यों हम इसके बारे में अभी तक अनभिज्ञ हैं या अनजान हैं? जो शस्त्र विद्या है सनातन है, ये मतलब क्षत्रिय विद्या है। पंजाबी कहावत है गुप्त खेडन नाथ के चेले, के नाथ भाव मास्टर गुरुआ चेले गुप्त खेडते। अगो भी आख्या गया जिन भेद पाया तिनी छिपाया, कि लुको के रखी जाती है। ये विद्या दो तरह अपने हिंदुस्तान में मार्शल है, एक तो है पेंडू खेड मार्शल विलेज गेम्स, वो छोटी छोटी मारनी जिम्मे मतलब लाठी लै लो आ लकड़बाजी आदि लै लो। पर एक खास विद्या सी राजा पास सी, जिमें अजकल मिलटरी होवे हिंदुस्तान की, वो थानू मतलब लीगल तो अलाव नहीं कहते कि तुम टैंक रखो मिसाइल रखो, वो अपने हाथ पावर रखती गवर्नमेंट। इस तरह पुरातन राजे भी अपने हाथी शक्ति रखते सन, वो जो संजोह होंगे ही जंगी घोड़े होंगे जंगी शास्त्र होंगे। इस तरह ये मतलब रवायती तौर पर एक हैगी विलेज आर्ट्स। विलेज आर्ट्स बारे आम लोगों को पता गतका हैगा कलारी आदि हैगी, पर जो मतलब राजा की विद्या सी रॉयल आर्ट्स जिसमें सब विद्या क्षत्रिय मतलब शिव तो चलती आँदी है, ये सदा गुप्त ही रही है। शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि आम दर्शक के मन में भी ये सवाल है। और मैं जब ये शुरू जिस तरह हर विद्या हिंदुस्तान में पिछोकड़ खिंच लेने आदि देवा शिवा तक ही, इस तरह विद्या भी आदि देवा शिव तक ही जाती है। शिव तो अगे हुए खास डिसाइपल जो पहले मतलब शिवाइट कह लो साध हुए ने पशुपत, शिव शिव उचित है रचित है पशुपत, शुंभ के रंग रचित है तो शंभू के रंग रचित रचित हुए ये पशुपत साध हुए। इन्हों तो विद्या कहाँ चलती कपालक साध हुए ने खप्परधार बाबे, जिन्हों तो कुछ मान लो हम डिसेंडेंट्स है अपन जिन्हें अपना अघोरी बाबे कहते हैं, पर ये पहले जो कपालक सन ये क्षत्रिय सन, ये भी योधे सन लड़ाके तड़ाके। ये समय ना विद्या आ गई अपने तक्ष नाग दे सिला, तक्ष सी मान लो भारत का सन श्री रामचंद्र का नैफ्यू, उस तो विद्या फिर तक्षशिला यह रही मान लो तकरीबन मान लो 6th century BC तो 5th century BC 6th century AD मतलब 1000 साल उपर उत्थे बिते रही। फिर जब सविता हुन अपने भारत में इनवेट किया वेस्ट चीन तो, उस समय फिर विद्या खिलर गई तो खिलर दी मतलब समय ना जो क्षत्रिय से भी नाश हो गए आपसे लड़ लुड़ के। फिर हुए ने राजपूत, राजपूतों ने फिर राजगुरु हुए ने सन्यासी बैरागी आदि साधु। इस तरह विद्या राजपूतों में रही और कुछ मतलब राजपूत राजे मतलब एक राजा मर जाए तो गांधो पुत्र हो, वो मतलब एक पुत्र मतलब सन्यासियों से रल जाता बैरागियों से रल जाता है क्योंकि खतरा ही उन्होंने दूजे को। इस तरह मतलब ये मतलब विद्या सन्यासियों से रही है बैरागियों से रही है नाथा तो रही है गोरनाथा तो मतलब बाकी राजपूतों से रही है। तो हौली हौली चलती चलती समय ना ये सिख पंथ में आ जाती है, समय ना जब राजपूत भी मतलब मूल में रल जाते हैं अकबर वेले संधि कर बैठते हैं आपस में, तो कई कुछ कौमां में मराठे हुए ने जाट हुए ने सिख हुए ने, इन्होंने मतलब पसंद नहीं किया तो वह फिर मार्शल हो गए। तो ये फिर विद्या इन्हें आ गई सिखा च आई ने मतलब ये नाथ बाबा तो गोरखनाथ जो गुरु मतलब योग के गुरु सन उही गोरखनाथ जो हम गोरखियां दे नेपाल के गुरु आ वो शास्त्रधारी भी सन, अपने जितने ऋषि मुनि सब हुए ने शास्त्रधारी हुए ने। अजे तक भी आप मंदिरों में जाओगे विष्णु देवता देखें शिवजी देखेंगे जिन्हें भी देवते हैं ज़्यादा शास्त्रधारी ने। तो आज के इस दौर में आज के इस वक्त में इसका महत्व कितना है, इसकी रिलीवेंसी क्या है, क्योंकि अभी आपने कहा कि कई सारे आर्ट्स हैं मार्शल आर्ट्स हैं और कई तरह की शस्त्र विद्या अब भी सिखाई जाती है, लेकिन इस सनातन शस्त्र विद्या कहाँ पर एग्जिस्ट करती है और क्यों ज़रूरी है? ये देखो फ्रॉम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव या पर सभ्यता अपना सभ्यचार देखिए क्षत्रिय जो परंपरा जो मर्यादा जो फिलोसफी है ये मतलब हिंदुस्तान का मतलब खास अंग नहीं रही कहना बट द वेरी फाउंडेशन जिन्हें मतलब अपने होर कला है मतलब डांसिंग शास्त्रीय संगीत हैगा खासकर म्यूजिक हैगा पोएट्री हैगी ये सब राजे ही सपोर्ट करते सन, जिन्हें अपने बॉर्डर्स में डिफेंड होंगे सके शस्त्र विद्या करते हैं। योके समय भी आप कहते हम जी हाँ जहाज है टैंक है सौ, पर मैं तेन तेन आप पूछता मैं तू टैंक अपना कड़ के हम दिखा इतने तेरे को टैंक है नहीं ना तो कह है आम बंदे ये विद्या के जरिए तुम मान लो सावधानी सेल्फ डिफेंस सावधानी अवेयरनेस अवेयरनेस हाँ अवेयरनेस पर कहते हैं
कि इतों खतरा इतों खतरा आ चीज़ इतों पहुँचा इस तरह पहुँचा फिर सैल्फ डिफेंस टैक्निक्स भी है तो दूसरे पास आप जहाँ पर देखिए कि शिवजी मराठा देखिए उन्होंने खास तलवार की भवानी हैगी है गुरु गोबिंद सिंह शास्त्र देखिए होर इतिहास देखिए और शास्त्रा ना भी जोड़ती है अपने इतिहास ना जोड़ती है ऑन वन लैवल यू कैन प्रोटेक्ट एंड डिफेंड योरसेल्फ राइट नाउ प्रैक्टिकली मेक योर कंट्री सेफ कि मतलब सुरक्षित हो दूसरे पास जिन्ना भी अपना विरसा हैगा अपना मतलब यो ट्रेडिशन हैगा मार्शल ट्रेडिशन हैगा सूरबीर बहादुर पृथ्वीराज चौहान राणा प्रताप आदि एक्सेट्रा नॉर्दर्न इंडिया ये सब ना जोड़ती है सिर्फ जोड़ती नहीं हैगी ये सिर्फ क्योंकि हरेक टैक्निक का हरेक दाव पेज का हरेक मतलब कोई तो कोई मतलब पुरातन मतलब असूल प्रिंसिपल या मिथ हैगी है आ मैं तेरे इतने हाथ इतने रख उत्ते दबाला मैनू दोनों हाथों दबाला तू भी हम बॉडी बिल्डर इतने दबा जो दो दबा दा हम जब मसल थले रखने दबा के उठ नहीं देना जो मसल में चक्का कहता दबा दबा उपर भार आया दबा दा जो दबा खड़ा हो जाए दबा दे सारा भार पा दे जिन्ना तेरी जान हैगी दबा दे हम ये भी बॉडी बिल्डर है देख ला हूँ जिम्मे मसल का चक्का चक नहीं होनी कहते दबा दबाए इत आ ना आ बॉडी बिल्डर खबर जी उधर आ इधर हाँ इधर आया आया कोई फर्क नहीं पड़ा इन दबा उतो इन दबा उपर बड़े शोल्डर दबाए दे दो बॉडी बिल्डर तकड़े एक दा एक मिस्त्र इतने इंडिया भी है ना इतने आएगा इन मसल चके कुछ नहीं होना आ देखो मैं सुती चाह लेनी होने आना चक हो जाता इन्हें मसल नहीं वजन भी पूरा इस तरह खास बॉडी मैकेनिक्स एक समय थे ऋषि मंडूकिया होया ऋषि मंडूकिया का मतलब पाणीशाह बहुत प्राचीन बहुत पुरातन है बारह मतलब सूत्र है तो सारे पाणीशाह तो व्डा मनिया जाता पाणीशाह के इफ यू अंडरस्टैंड मंडूकिया पाणीशाह तुम सारी वेदा की सारी समझ आनी उ मंडूकिया ऋषि मुनि एक समय आखे गए मतलब तला के किनारे बैठे सन तो एक डड्डू आ बैठा उन्हें हाथ से वो डड्डू ने जब छाल मारी उसको कोई एहसास नहीं हुआ कि मतलब पुश किया है कि मतलब पैर ना कि दबा के निकलिया उस तो फिर मतलब सोचनी तो फिर मतलब हुण असीं कर दिंदे असीं मतलब चाकरा नूं सेध करके सुरती लगा के कुंभ धार के तो फिर वो शक्ति बतते जिन्होंने आदि मैंटिक मतलब फ्रॉग एनर्जी कहते अंग्रेजी वह चीज़ है इस तरह इस मतलब विद्या का मतलब जो कनैक्शनस है ना कि वो सारा हिंदुस्तान का कल्चर रिवाइव करते हैं जितने भी मार्शल आर्ट्स की फॉर्म है और अभी जो हम देखते हैं कुछ प्रोफेशनल हो गई हैं हाँ जी स्पोर्ट्स में चली गई हाँ जी तो क्या ये सनातन शस्त्र विद्या से निकली हुई फॉर्म्स हैं ये देखो भाई हुण ही मतलब इतों हो गए मैं गए 1905 मैं भारत में छड़ गया मैं वैसे जन्म मेरा हैगा इंग्लैंड का ही पर मैं छोटा हुंदा इत्थे हिंदुस्तान च रह गया तो वड्डा हो के मैं 17 साल की उम्र जमी उम्र से मैं इतने वापस आया तो अचानक मैं अपना गुरुदेव मिल गया गुरु मिल गया आप आचार्य कह लो उस पास ही फिर 11 साल विद्या लई तो हम सू फिर समझाया कि हिंदुस्तान लोग अपनी विद्या की कर नहीं करते तू बाहर जा पे तो हूँ साढ़े अखाड़े चलते हैं इतने अमेरिका च कनेडा च यूरोप वैसे निहंग सिंह होंगे वो मतलब चक्रवर्ती होंगे ने एक थान टिकते नहीं है वो इतने हिंदुस्तान वो इन्ना फर्क है जो इतने के गड्डिया घोड़िया चलते मैं जहाज पर जाना एक महीना इतने दुनिया तीसरे पास तो हूँ चल के वापस इतने हिंदुस्तान में आ गए ये जी चीनिया तो ही गल करोंगे जापानिया गल करोंगे इंडोनेशियन मलेशियन सलाठ लै लो कुंफू लै लो वो सारे विद्या का पिछोकर हिंदुस्तान तक आता है बड़े बड़े मास्टर सन जो जापानी भी है चीनी भी है वो सू संबंध भी रखते हैं वो आके देखते भी है हूँ कई गल् उन्होंने है जो मान लो गुप्त रख दें वो नहीं समझाते बाहरले बंद इसलिए मार्शल आर्ट्स के मान लो ये देख लो तीन जिन्हें भी ईस्टर्न मार्शल आर्ट्स है उन्होंने मान लो जो फाउंडेशन हैगी रूट हैगी है वह सनातन शस्त्र विद्या हैगी इस तरह हैगी है जे आप दक्षण इंडिया च भी जाइए कलारी आर्मी कदा उत्थे भी देखिए अगस्त मुनि वह भी नॉर्थ तो आए थे नॉर्थ हाँ नॉर्थ तो थले जाके आए परसुराम भी नॉर्थ आए तो वैसे वो अपने कल्चर एको ही सारे कदा इतने ये नहीं सुहाड़ दे कि माँ बड़ी तो कई चंकी तो मेरी माँ की सारी विद्या अपने हिंदुस्तान तो शुरू हुई इतों फिर फैल रही सारे पास तो बाकी मार्शल ओरिजिनस ये आर्ट हैगी है तो बाकी ये विद्या डायल्यूटिड नहीं हुई इस तो मतलब देख लो आदिकाल चलती आँदी है वर्ल्ड वॉर वन तक भी चलाई
ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਚ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 1947 ਰੌਲੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਹੁਣ ਲੋਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਵਣ ਆ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬੈਟਲ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਹੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਵਾਰੀਅਰਸ ਤੋ ਚੁਕੀ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੋਗਾ ਕਿਆ ਇਹ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਪਤ ਵਿੱਦਿਆ ਰਹੀ ਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਾਗ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਲਓ ਸੰਗੀਤ ਲੈ ਲਓ ਦਰੁਪਦ ਰਾਗ ਲੈ ਲਓ ਆਦਿ ਇਹ ਸਭੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਵ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਤਵੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੁਰ ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਹੋਗੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸ਼ਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਜੈਨੂਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਉਸਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸਟਡ ਹਿਟਿੰਗ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹੋਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇ ਵੁਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਜਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜੋ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮਸਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਮੰਨ ਲਓ ਤੰਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਟੈਂਡਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹੱਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਸਿਲਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਾਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਠ ਫੜ ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਮਸੋ ਨਾ ਜਾ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ 4 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਡੀ ਮਕੈਨਿਕ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਕਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋ ਮਿਲਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਛੱਡਦੇ ਗਏ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਫਿਰ ਸਮਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰਹੀਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਆਰਟ ਸੀਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਤਰੁਦਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਲਾਰੀ ਵੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਡੇਂਜਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜ ਆਰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਸ ਐਕਟ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰਕਸ ਐਕਟ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਤਰ ਵਿੱਦਿਆ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ 'ਤੇ ਚੱਲਿਓ ਜਗ ਮਾਤ ਕੋ ਕਿ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਚੰਡੀ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਤਰੂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਾਤਰੂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਚਾੜਦੀ ਹੁਣ ਕਰੀ ਕਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਡ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਡ ਮਸਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਵਾਸ ਹਰੈਂਡਸ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰ ਕਿਉਂਕਿ 5,000 ਸਭ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ 5,000 ਜੇ ਰੋਡ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਰਮ ਆਦਿ ਮਰਮ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂਪਤ ਸਿੰਬਲ ਫਿਰ ਆਧਨਾ ਰੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਬਲ ਤਰਸੂਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਆਖੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਚਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ ਜਦ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇਮੇਜਿਸ ਆਇਕੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪਰ ਲਿਖਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋ ਇਟਸ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸੁਪਰ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਹ ਠੱਪੀ ਗਈ ਇਹ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੈਸੇ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ 1984 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1984 ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ 1984 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪੜਦਾਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ
एंड छोटी हुई उम्र में उन्हें मैंने पाया ही थे पंजाब में एंड शी वॉन्टिड टू सी मी उन्हें देखना चाहती सो मैं अपने पिता के साथ इतने वापस आया 84 हाँ जून 84 जब सब कोई राइड पर चल रहे उदी जा टैक्ट पहले लिया इतने आए तो उस तो बाद मैं इतने रह गया मेरा फादर वापस चल गया तो इतने पंजाब फिर मैं एक निहंग सिंह मिले गुरदेव मिंदर सिंह तो उन्होंने पासों ही फिर विद्या लई ठहर के इस तरह क्योंकि यह भी देखना चाहिए कि क्योंकि यह विद्या गल करती सनातन माता साढ़े अही निहंग सिंह ने असी भवानी दुर्गा देवी दे पूजा पुजारी हाँ पर साड़ी देवी हैगी श्री साहब असी श्री साहब शास्त्रां की पूजा करते हैं असी शास्त्रां नहीं बकरे टिका के तिलका लाते हैं सारी परंपरा करते हैं असी मतलब चंडी के पाठ करते हैं इतने तक हवन भी करते हैं जबकि जो मंदिर में मूर्ति हो सत्कार करीदा पर अं आप खुद मूर्ति पूजा नहीं करी मूर्ति भाव साढ़े हो भी उ रखी भी हो क्योंकि अं पैंतर जहाँ करी फिर देवी के मतलब रूपरेखा के होंगे सू ये रूपरेखा नहीं पता अं मतलब पैंतर कहते जो हमने शेर का पैंतरा पाना नरसिंघा का जो ते समझ शेर ना आवे कि शेर की होंगे तो बिल्ली का पाई जाइए ये कोई गल नहीं बनती एंड इसलिए विद्या जब कोई सीखना आता वो सारे यही सोचते कि आपका भला कि मेरा भला किमें हो जाए हाउ कैन डिफेंड माई सेल्फ जो अखीर जाके सरबत का भला एंड वेलफेयर एवरीबॉडी एल्स कि सारे रक्षा के सारे सुरक्षित हो गए आप ही सुरक्षित हो ये डीप फिलोसफी हैगी है जो वैदांतिक फिलोसफी है वैदांतिक फिलोसफी कितने लोगों तक ये विद्या आप ले जा रहे हैं या कितने लोग जो आपके हम कहें एक तरह से गुरु शिष्य की बात आपने की कितने शिष्य आपके हैं शिष्य जो थोड़े ने शिष्य तो हम बनाने लगे हैं कहना 12 साल कढ़ने पैंदे पहले शिगिर्द है कहना शिगिर्द साढ़े है देखो मान लो इतने अमेरिका च कनेडा च इतों इटली हॉलैंड सारी दुनिया भर है जो सामराई आ सामराई ने जिनी परंपरा मर्यादा हैगी सामने गल करके देखो है ना वो कहें क्षत्रियों तो आई है वो ये मानते कि साड़ी परंपरा क्षत्रियों तो आई है पर यह नहीं समझना कि अपने नौजवान पीढ़ी हम है स्टूपिड है कि एवं गप्पा मार के उन्होंने सुनाई जाओ कि बुलशिट कि जो विद्या असल है कि जो एकेडमिक ऑल एवरीथिंग हैज़ बी प्रेजेंटेड एकेडमिकली जो अं पैंतरा पाया ना ही लगता कि पैंतरे इतों आ दे आ चीज़ें हम भुल गई सारे एक चीज़ रह गई अपनी वो जरा आप सर मारते लाइक द इंडियन वॉबल ऑन द हैड ये हूँ यही चीज़ रह गई पर एक समय द होल बॉडी मूव लाइक दिस एंड वी फाइट वी मूव लाइक दिस टू मिस लाइन एंड इट्स बेस्ड ऑन बटरफ्लाइज कि तितलियाँ चल रही होंगे ना वो फिर फाड़नी होंगी छेती तितली वो आप जब पैंतरे कटते उस तरह चलते हैं महाकाल के टांडव टांडव हाँ टांडव फॉर्म हाँ टांडव फॉर्म वो टांडव फॉर्म चो मान लो हूँ की रह गया आम इंडियन वो सिर्फ है सरदा रह गया सर्वोबल यही चीज़ रहेगी बाकी चीज़ गई हैं आप ये कह रहे हैं कि दूसरे डांस सिंगिंग और इसमें सारे कनेक्टेड है देखो कथक डांसिंग है कथक डांसिंग शुरू बात हुआ है कि मतलब कृष्ण महाराज ने काल नाग के सिर पर नाच किया राइट वो तो फिर ठाठ इतों चल पा बाकी भारतीय नाट्यम लै लो ठीक है तो अपना मत अपने महाभारत जरा अर्जुन कहाँ इंद्रपुरी पहुंचे उत्थ सिख के आए हैं इस तरह ये सारे मार्शल कल्चर ना लिंक्ड आ हुण बहुते विद्या हैगी बड़ी सूक्ष्म इस ब्रीक विद्या इज नॉट ईजी विद्या प्रैक्टिकल विद्या हैगी शागिर्द को शिष्य बनने में कितना वक्त लगता है इस विद्या हाँ जी शागिर्द देखना डिपेंड्स ऑन कल हरेक व्यक्ति की मतलब अपनी कपैसिटी होंगी है सीखन की कोई छेती तुर पा कोई हौली तुरदा कोई पहलो हौली तुरदा ये विद्या पूरी सीखन की क्योंकि साड़ी विद्या ही अं गुरदेव भी आ इसलिए साड़ी विद्या हैगी फिजिकल भी साड़ी हैगी मतलब इंटलैक्चुअल भी साढ़े को सर्टन स्क्रिप्चर्स भी हिस्ट्री भी लिख सीखनी पैंती ओरल ट्रेडिशन सीखना पैंता ए गुरदेव की पूर्ण ट्रेनिंग हैगी 11 years हाँ जे मान लो आम मात्र हो सीखना हम सिर्फ प्रैक्टिकल टैक्निकल सीखनी है फिर ये रोजाना 10 to 17 घंटे है ट्रेनिंग करे फिर हैगी 2.5 साल हम देख रहे थे आपके पास कई सारे शस्त्र हैं हाँ जी नाम भी शस्त्र विद्या है तो क्या ये पूरी तरह से शस्त्रों पर डिपेंड है नहीं नहीं या अनार्म्ड भी या बिना शस्त्र के भी नहीं नहीं जिमें हूँ मतलब शास्त्र है ना इस तरह शास्त्र अनाम कॉम्बैट हिंदुस्तान में अपने धनुर्वेद में बाहु युद्ध आख्या गया कि बहां दे शास्त्र जे हूँ मतलब बाहु युद्ध मतलब हस्त युद्ध कर युद्ध बिना हथियारों में सब कुछ हो जाता कितना ये पहले शुरू का बिना हथियार तो की जाती बिना हथियार ला के मतलब अनार्म्ड अगेंस्ट अनार्म्ड तो फिर अनार्म्ड अगेंस्ट वेपन इस तरह यह सब कुछ ही आता अच्छा सो दे देर आर ये मतलब है एक सिस्टम है पर 10 styles है
ਜੋ ਦਾਸ ਦਾਸ ਮਾਲਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਮਾਲਵ ਯੁੱਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰਹਾ ਯੁੱਧਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਥ ਯੁੱਧਨ ਗੁਰੂ ਯੁੱਧਨ ਨੰਦੀ ਨਾਸਿੰਘ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬਾਘ ਦੇਵ ਅਸ਼ਪੁਰ ਦੇਵਾ ਚੰਡਿਕਾ ਕਾਲਕਾ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾਸ ਮਾਲਵ ਸਟਾਈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਮ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਦਸ ਸਟਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਾਈਲਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਲਵ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਕਸੀਲਾ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 2500 ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਲ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਸਟਾਈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੁਰਹਾ ਯੁੱਧਨ ਹੈਗਾ ਪਤਾਲੀ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਟਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਹੈਗਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਤਕਸੀਲਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਗਰੂੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੂੜ ਝੀਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਾਰਬਤ ਹੈ ਔਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪਰੈਡ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੀ ਤਕਸੀਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਦਸ ਸਿਸਟਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਸ ਯੁੱਧ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਨਾਂਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਹਾਥੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਬੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 90% ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੈਲਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬੈਲਟ ਦੇਣੀ ਪੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਡਾਇਲੂਟਿਡ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਵਰਕਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਲੀਟਰੀ ਦੇਖ ਦੂ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਐਂ ਵਾਰ ਕਰੇ ਐਂ ਕਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਠੱਗ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਚੱਲਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਇਸ ਇਨ ਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਿਓਰ ਇਜ਼ ਅਨਡਾਇਲੂਟਿਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖੀਪ ਤਾਂ ਓਲਡ ਮਰਿਆਦਾ ਸਲਾਏ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੂਗੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗਏ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਓਰ ਫੋਰਮ ਵਿੱਦਿਆ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗਰੂ ਉਸਨੇ ਬਚਾਈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਸਿਰਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਬਾਂਗੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜਾਟ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਟ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਬਣਾਈ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਚਿੰਗਾੜ ਦੇ ਨਾ ਵਨ ਸਪਾਕ ਉਹ ਜੰਗਲ ਸਾਰਾ ਫੂਕ ਦਿਓ ਸੋ ਦਾ ਵਨ ਸਪਾਕ ਸਰਵਾਈਵਡ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੈਫਟ ਬਹੁਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨਾਟਿਅਮ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਗਈ ਕਥਕ ਡਾਂਸਿੰਗ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣੀ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਛਾਤੁਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸੋ ਸਟਰੈਂਥ ਇਜ਼ ਆ ਕਲਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਐਸੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਫਿਟਨੈਸ ਕੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕਾ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਜੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨਰ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਸਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਉਸ ਯੂਥ ਕੇ ਲੀਏ ਜਨਤੰਤਰ ਟੀਵੀ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਕੇ ਥਰੂ ਮਾਡਰਨ ਏਜ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਮਾਡਰਨ ਏਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਹੁਣ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਭਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਰਿਚ ਆ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਉਹ ਨਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਾਸਟ ਲਿਵ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲਾਨ ਫੋਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਲਾਈਕ ਚਲੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਿੰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ ਯੋਧਾ